अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी का रास्ता मुश्किल हो गया है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि अगर स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया तो जान का खतरा होगा। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अपने साथी बुच विलमोर के साथ जून में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई थी, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में खराबी की वजह से 75 दिनों से अटकी हुई है। अब नासा और एक्सपर्ट ने मिलकर सिचुएशन का नया असेसमेंट किया है। पूर्व अमेरिकी सैन्य अंतरिक्ष प्रणाली कमांडर रूडी रिडोल्फी ने 3 संभावित विनाशकारी खतरे बताए हैं, जिसमें यात्रियों की मौत तक हो सकती है। अगर धरती में री एंट्री के वक्त थ्रस्टर फेल हो गए तो कैप्सूल अंतरिक्ष में उछल सकता है, तब स्टारलाइनर के पास सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन बचेगी, स्पेस यात्री फंस जाएंगे। अगर बोइंग के स्पेसक्राफ्ट का अलाइनमेंट गलत हुआ तो इस सूरत में भी धरती पर वापसी मुश्किल हो जाएगी। अगर वायुमंडल में बहुत ज्यादा एंगल पर कैप्सूल वापसी करता है तो अंतरिक्ष यान अत्यधिक घर्षण के कारण जल जाएगा और अंतरिक्ष यात्री हवा में ही मारे जा सकते हैं। नासा को दी गई अपनी रिपोर्ट में रिडोल्फी ने कहा है कि सुनीता को वापस लाने के लिए दूसरी कंपनी का स्पेसक्राफ्ट भेजा जाए। सुनीता और विलमोर की वापसी का फाइनल फैसला कुछ दिनों में लिया जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।